नीतीश कुमार बोले, बिहार के राज्य के सभी घरों तक बिजली पहुंच गई है, गांव से अंधेरा खत्म हुआ है और लोगों को लालटेन की जरूरत भी खत्म हुई है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा लोकसभा चुनाव की तैयारी का जायजा लेने बिहार की राजधानी पटना पहुंच गए हैं। अपने दो दिवसीय दौरे में अधिकारियों के अलावा राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। सीतामढ़ी में बन रहे विद्युत उपकेंद्र का शिलान्यास करने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सीतामढ़ी पहुंचे। इस दौरान वे 620 करोड़ रुपए की लागत से सीतामढ़ी के पमनाथपुर गांव में बन रहे विद्युत उपकेंद्र का शिलान्यास किया। मोकामा से निर्दलीय विधायक अनंत सिंह ने गुरुवार को तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब में मत्था टेक गुरु के दरबार में हाजिरी लगाई। साथ ही अनंत सिंह ने कहा कि चुनाव के दौरान मेरा मुद्दा होगा क्षेत्र में विकास करना और नीतीश सरकार को राज्य से भगाना। भूटान से बोधगया जा रही बौद्ध भिक्षुओं से भरी बस सुपौल के किशनपुर थाना स्थित टोल प्लाजा के समीप दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दुर्घटना में करीब दो दर्जन बौद्ध भिक्षु गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। भागलपुर नगर निगम के ये तीन नए प्रभारी उपनगर आयुक्त बनाए गए हैं। इन सभी की पदस्थापना को लेकर नगर विकास विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। अपर कास्ट रिजर्वेशन के मुद्दे पर राजद में मतभिन्नता है। एक और मनोज झा ने इसका विरोध किया तो वहीं अब रघुवंश प्रसाद सिंह ने इसके समर्थन की बात कही है। बिहार के वैशाली में पुलिस के खिलाफ लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। वहां के लोग पुलिस कर्मियों पर अपना गुस्सा उतार रहे हैं, साथ ही अपहरण के खिलाफ लोगों ने सड़क जाम कर रखा है। नालंदा के इस्लामपुर थाना क्षेत्र के बगडीही गांव में चोरी के आरोप में ग्रामीणों ने तीन युवकों की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसमें एक की मौत हो गई है और दो की स्थिति गंभीर बनी हुई है। बिहार में नॉनवेज के शौकीन लोगों के लिए एक अच्छी खबर है, अब जल्दी उन्हें मछली का जायका मिल सकेगा। नीतीश सरकार राज्य के अंदर मछलियों की खरीद बिक्री और उसके खाने पर लगी रोक को हटाने जा रही है।